पहले सबसे पहले उसके स्क्रिप्ट सुनने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि तुम अभी फिट हो, तुम्हारी बॉडी फिट है, तो फिट वाला रोल पहले कर लो, वजन बढ़े वाला रोल बाद में कर लेगा। लेकिन आमिर खान ने कहा कि नहीं सर, मैं पहले जो है बॉडी बना वजन बढ़ाऊंगा, 100 किलो वजन बढ़ाऊंगा, वो रोल पहले करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वजह रहेगी बाद में वो रोल करने के लिए, मेरी बॉडी फिट करने के लिए, मेरा वजन कम करने के लिए मेरे पास वजह रहेगी। ये हमने तो मॉडल बनाना, मेरे पास भी एक बजट ही है, मैं अगर अभी मॉडल नहीं बनाता तो बाद में से बनाते बनाते बोलिए बनाया नहीं जाता है। अब किसी वजह से, किसी बहाने से एक मॉडल बन गया है, मैंने एक मॉडल बनाया है, आप ही चेक करें। पांचवी जमात का सबक है, तीसरा सबक, उसमें वाटर साइकिल बताया गया है, यहाँ पर सारी चीजें बताया गया है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करेंगे और इसमें खुलासा भी किया जाएगा। जैसे मैंने बोर्ड पे इसलिए बनाया, हालांकि पूरी वादी, वादी इसको कहते हैं, पहाड़ की चोटी इसको कहते हैं, मुंबा किसको कहते हैं, दामाना किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम बोर्ड पे लिखेंगे। पहले पहले बच्चों को इसका खुलासा कराएंगे। इसकी वजह ये होगी कि हमारे क्लास में बच्चे हैं ज्यादा और उनको सारे यहाँ पर बुलाएंगे ना, धक्का मुक्की करेंगे और सबको हम समझा नहीं पाएंगे। इसलिए हम बोर्ड पे पहले इसका खुलासा करेंगे, उसके बाद कतार से बच्चों को यहाँ से भेज के ऐसे देखते देखते बच्चे वहाँ समझेंगे, यहाँ देखेंगे और वो अफेस करेंगे कि कहाँ क्या करें हमारे समय। सबसे पहले तो यहाँ पे कतार का ये सूरज है, सूरज हमें क्या देता है? हरा भरा। तो सवाल का जवाब करने हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत मुख्तसर वक्त में मुझे खुलासा करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे देखिए, सबसे पहले ये सूरज है, सूरज एक आग का गोला है, गर्म है, जिससे दर्जे हरारत होता है, हवा में भी मौजूद होता है। सूरज की शुआएं जब समुद्र के पानी पर, पानी के बड़े हिस्से पर गिरती हैं, तो क्या होता है, वहां पर गर्मी की वजह से पानी भाप में तब्दील हो जाता है और भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। अब बच्चे बोलेंगे हमको भाप तो नजर ही नहीं आ रही है, कैसे? क्योंकि भाप इतने पानी का अभी तो सारा जर्रा होते हैं कि हमारी आंखों से नजर नहीं आती। एक एग्जाम्पल देखिए, अभी ये होता तो है, इसमें क्या है, पानी, कितना पानी है, थोड़ा सा पानी, बाकी बोतल खाली है, हवा भरी हुई है, थोड़े हिस्से में पानी है और बाकी हिस्से में हवा भरी हुई है। अब बच्चों को ये बताना है कि बच्चों देखो, जब कोई हवा हल्की हो जाती है तो वह हवा, हल्की हवा ऊपर की जाने जाती है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे? अब उनको हमको साबित करके दिखाना है। अब देखिए, क्योंकि बच्चों की शमूलियत इसके अंदर बहुत गर्मी है, तो बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। अब सलीम सर आ सकते हैं क्या? कोई आ सकता है? आ जाओ सलीम सर, आ जाओ। लाइटर कैसे पास है? लाइटर नहीं, नहीं वो लाइटर के पास निकला, मेरी बात नहीं, मेरे उसके पीछे मजाक था। अब देखिए, ये जो है इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर? खाली नहीं है, हवा है, इसमें भरी हुई हवा है। अब देखिए, ये हवा नीचे की हवा, अभी सलीम सर है, इसको मैं नासे सर बनाऊंगा, वो ऐसे देखो जादू से, ऐसे बच्चों को तो नाम लेने का कोई भी। अब देखते रहो इसको क्या होगा, तब क्या होगा? खड़ा हो गया पानी, इसकी हवा की जो दबाव, नीचे की जो हल्की हवा थी, जो हवा गर्म होने के बाद वो हवा क्या हुई, ऊपर चली गई। जैसे हम इसकी वापस से हम इसकी हवा छोड़ देते हैं, तो दोबारा हम इसके एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, वापस से हवा चली गई, वापस से हम उसको अगर नीचे से हवा गर्म करेंगे तो फिर ये क्या होगा, फिर उसमें हवा भर गई दोबारा। यहाँ हवा ज्यादा ठंडी है, इसकी वजह से देर लग रही है, वरना तो अगर हम आग से भी नहीं खेल सकते क्लास में, तो इसके लिए क्या करना है आपको? शुक्रिया सलीम सर की ताली बजा, थोड़ा बजाओ ना सज्जा सर, फासले नहीं करो। हम गर्म पानी में बोतल को जैसे ही रुकेंगे, अपने आप गुब्बारा फूल जाएगा। ये हमारा एक कंसेप्ट की तरफ होगा, ये साइंस हमारी है। इस अमल को कहते हैं अमले तब्दील, क्योंकि पानी का जो है भाप में तब्दील हो गया। फिर बच्चों को समझ में आया कि पानी जो है भाप में उड़ रहा है, हमारे आसपास हवा में भी पानी हो गया। अभी जब उड़ जाएगा यहाँ पर, जैसे जैसे ऊपर चला जाता है पानी, हवा ऊपर की कैसी होती है, सर्द होती है, तो वो भाप जो है, पानी काली जर्रा जो है, वो क्या हो जाते हैं, पानी में बनना शुरू हो जाते हैं। अब पानी में बनते हैं तो एकदम बारीक बारीक जर्रा है। मैं वीडियो बना के ला के, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसमें वो बताया गया है कि वो पानी के बारीक बारीक आबी बुखारात जब एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो पानी का वजन बढ़ जाता है।
और पानी का वजन जब बढ़ जाता है तो पानी वजनी हो जाता है, फिर उसको हवा संभाल नहीं पाती, तो वो जो है फिर नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों गिरता है, इस अमल को भाप के पानी बनने के अमल को अमल तकसीम कहते हैं। ये तो एक कंसेप्ट बच्चों का हमारा जिक्र होता है। उसके बाद यहाँ सारी चीजें बताई गई है, जहां से नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं, मुंबा कहते हैं, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, यहाँ पर बादल बताए हुए हैं, उसके अलावा वादी किसको कहते हैं, फिर नदी जो अहम नदी होती है, उसके अलावा नाले निकलते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, टेकड़ी होती है, संदे मुर्दा होती है, नालों में से पानी मिलता मिलता छोटी नदियों में मिलता है, फिर दो नदियां जहां पर मिलती हैं उसको संगम कहा जाता है, फिर संगम से निकलते निकलते पानी जो है वापस दोबारा कहा जाता है, समंदर में चला जाता है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आगे चलता है।